शांति। आज 10 मार्च 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। बाबा को भूलना नहीं है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? कौन यथार्थ चल सकता है? उत्तर है, जो अपना सच्चा सच्चा पोतामेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? बच्चे, उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाए पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं। किसके किसके सन्मुख बैठे हैं? बाबा कहे, बेहद के बाप और दादा के। ये बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा। दोनों सन्मुख बैठे हैं। किसके? बच्चों के। तो यह जैसे ईश्वरीय कुटुंब परिवार बैठा है और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अथवा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। यह बुद्धि में रहे तो अपार खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है। आह्वान करते रहते हैं और यहां तुम्हारे सन्मुख बैठा है। दुनिया में मनुष्य गीत गाते हुए भगवान का आह्वान करते रहते हैं और यहाँ बाबा हम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना? ये हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो पढ़ाने वाले हैं उसमें निश्चय होगा कि यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं। फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखा रहे हैं। यह ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हैं, हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहां बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। बाबा को ये वंडर लगता है, अभी अभी कहते हैं हाँ हमें पक्का निश्चय है और अभी अभी बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है ना? भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती वही बच्चों के सन्मुख बैठे कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे, अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी है फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर। लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा, बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है, ऐसे नहीं
आज पढ़ा, फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। वह सब काम है पाए पैसे के। कुछ भी हो जाए, बाबा कहे, पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाली है। बाप कमाते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। समझते हैं पुत्र पोतरे पर पोतरे खाते रहेंगे, फिर बच्चा जब बाप बनेंगे तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है। तो बाप को जब बच्चों के पोतामिल का मालूम पड़े तब तो मत दे, कदम कदम पर पूछना पड़ता है। ऐसे नहीं, बाबा कहे बच्चों को कदम कदम पर राय लेनी चाहिए, पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कोई विकर्म हो जाए। यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं, जैसे एक एक को बाबा पर्सनल समझा रहे हैं। सब बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण है। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे वह तो सबका बाप है। फिर पूछो वह कहां रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बेहद के बाप को नहीं जानते। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने के लिए। कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत है जो तीर्थों आदि को नहीं मानते हैं, जाते भी नहीं मानते भी नहीं। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को न माना गोया भक्ति को ही नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है। भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए। यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। साक्षात्कार होने से ही समझ लेते हमारी मुक्ति हो गई, परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं। अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे, अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी है, भला ऐसा नीच किसने बनाया? आके पूछो उनको कैसा नीच किसने बनाया। किसको भी मालूम नहीं है, कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो यह ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली है, भगवान हमारा बाप है, तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? यह किसकी भी बुद्धि नहीं चलती है कि दुर्गति कैसे हुई, किसने की। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ कहते हैं शांति कैसे स्थापन हो। मूंज पड़े हैं, कंफ्यूज्ड है एकदम। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं है। उन्हों को समझना है अंत में। ऐसे विद्वानों को भी बाबा कहे अंत में समझना है। तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म है वह सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय
से अलग हुए हैं, परमधाम से, बाबा से बहुत समय अलग हुए हैं। उनके लिए ही कहा जाता है सिक्की लधे। जो सत्युग से नीचे उतरे हैं उनके लिए बाबा कहे सिक्की लधे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। कौन सी आत्माएं? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कौन सी आत्माएं? पहले पहले परमधाम से आई यहाँ पाठ बजाने, पहले पहले आती है देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने। उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। बाप कहते उनके लिए ही आना पड़ता है, बाबा भी विशेष उनके लिए आते हैं जो सबसे पहले पहले अलग हुए हैं, वो 9 लाख आत्माओं के लिए। साथ में सबके लिए भी जरूर आना पड़े क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब देवता धर्म है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं वही निकल पड़ते हैं। यह धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तब तो कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है। जो कोई समझ न सके देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है, इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा है, अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा, तो श्रीमत पर चलना पड़े। और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं, सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को समझना उसको ही कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना, लोगों को समझाओ, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना। भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? यह तो तुम जानते हो, हम पहले स्वर्ग में थे, रावण ने हमको नरक में ढकेला है। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब ये भारत नरक बना है, ये खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है, रावण राज्य और राम राज्य के खेल के बीच में क्या होता है, वह भी डिटेल बैठ समझाते हैं बाबा। सारा चक्र डिटेल से बैठ समझाते। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि है जो समझते हैं। हम बाप के सामने बैठे हैं, बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है? गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं, यह भी किसको मालूम नहीं है।
विष्णु का अलग चित्र बनाए उनको नर नारायण कहते हैं और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। बाबा कहे प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने धंधे में लगे रहे तो थोड़ी समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझ जाते हैं, ये खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं, नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी न बने तो गोया खुद ही अंधे हैं। बाबा को जानते नहीं, किसको कहना थोड़ी होता है कि तुम सर्विस पर जाओ, आप ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो, ऑफर करना चाहिए। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी है। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ, बहुतों का कल्याण करना है। परंतु पूरी पहचान नहीं, कोटों में कोई जानते हैं, हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसिंग, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं कहते बाबा हम तैयार है। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है ना? बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है। मनुष्य तो जानवर मिसल बन पड़े हैं, उनको देवता बनाना है। तुम बच्चों को निरअहंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। सेंटर इंचार्ज में बाबा कहे बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरहंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे। उसका दंड उसकी अवस्था गिर पड़ती है। बाबा कहे जो जिसमें अहंकार है तो समझ लेना चाहिए जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे और उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। अहंकारी की अवस्था गिर पड़ेगी। बाबा कहते बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी है हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा क्या कहते, शिव बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाप कहते मुझे आना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता। शिव बाबा क्या कहते, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूं। भक्ति मार्ग में भी गाली देते हैं, तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरअहंकारीपन से पाठ बजा रहे हैं। फिर भी बाबा कितना निरअहंकारीपन से पाठ बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं। साकार में बाबा मम्मा ने सब कुछ किया। कितना नीचे उतरना पड़ता है, पतितों को पावन बनाना है। मूत पलीती कपड़ों को धोना है तो धोबी भी है, सुनार भी है, सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। बाबा धोबी भी है, सुनार भी है, सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट बाप समान निरअहंकारी नम्रचित बनना है, अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी पॉइंट सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है, सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। आज का स्लोगन है याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकेगी। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.